करी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी एक नई वैकेंसी आ रखी है जिसको आप बिल्कुल आप स्क्रीन पे देख पा रखे हैं। जिस तरह फ्रेंड्स ये आर्मी की इंडियन आर्मी की वैकेंसी रिक्रूटमेंट 2022 है फ्रेंड्स, इसके अंदर 10वीं पास कैंडिडेट्स मांगे गए हैं और फ्रेंड्स बिल्कुल न्यू वैकेंसीज है जो अभी एक दो दिन में ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फ्रेंड्स, ये मल्टी टास्क स्टाफ के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ होता क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये चीज देखी होगी, इंडियन आर्मी क्या करती है, अपने सोल्जर्स अपने ऑफिसर्स इनके लिए कुछ एक नॉन सिविल एक जो आर्मी के सिविलियन पर्सन होते हैं उनको रिक्रूटमेंट करने के लिए जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं कि आपके आर्मी में रहते हुए कुछ सिविल वर्क्स करते हैं जो इनको औदा आर्मी जैसा नहीं मिलता है, जो आर्मी की फैसिलिटीज होती है उनको वो नहीं देते, इनको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक इंडियन एक आर्मी में सिविलियंस काम कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सिविलियंस होते हैं, इनकी भी एक तरीके से लाइफ जो होती है बिल्कुल लाइफ एक आर्मी सोल्जर की तरह होती है, पर फ्रेंड इनको काफ़ी सारे रिलैक्सेशंस भी दिए जाते हैं, लाइक इनको आर्मी के वॉर में भी नहीं जाना, लाइक इनको किसी आर्मी के एक्स्ट्रा ड्रिल्स के अंदर नहीं आना, कभी इनके आर्मी में कोई कहीं इनकी आर्मी जा रही है कहीं का मूव ऑन रहा है तो उनका नहीं जाना, वो वहीं रहते हैं, दूसरी इनकी बटालियन आती है तो वहीं इनका वह स्टाफ रह जाता है। तो फ्रेंड्स इनके कुछ एक बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ इनको वही फैसिलिटी दी जाती है जो एक आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। तो फ्रेंड इसकी वैकेंसी को थोड़ा सा हम और जान लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रखें ये जो है ये हेडक्वार्टर बंगाल ने निकाल रखी सब एरिया। तो फ्रेंड इसके अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ है, नो पोस्टें रहने वाली है फ्रेंड, जनरल आपकी है, EWS है, फिर जनरल ESM है, ST OBC, मतलब कि हर कास्ट की इसमें पोस्ट रहेंगी। 18 से 25 साल एज रहने वाली, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम और देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रखें 10वीं पास, जी हाँ फ्रेंड 10th क्लास स्टूडेंट चाहिए होगा इनको जो बिल्कुल एक आर्मी के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर जा सके। फ्रेंड्स इसके अंदर इसके बाद इसकी जो वाट एवर जो पूरी इसकी वैकेंसीज है, नो लास्ट डे इसकी 2 दिसंबर रहने वाली है और फ्रेंड यू ऑल ओवर इंडिया की मीन्स आपको कभी भी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं और इसी तरह ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसके थोड़े से आगे और देखते हैं। जिस तरह आपको मैंने बता दिया 11 नवंबर से, आज फ्रेंड्स हो गई है 12 नवंबर तो ये 11 नवंबर से फॉर्म चालू हो गए हैं, आप इसको भर के दे सकते हैं। ये आपका ऑफलाइन चलने वाला है, मींस फ्रेंड्स आपको इसका जो फॉर्म होगा वो डाउनलोड करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, देन इसको बाय पोस्ट से इसको मेल भेजेंगे इसको एक पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर, वो मैं आपको पूरा इसको आपको वीडियो में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स इसमें कोई फीस नहीं है, बिल्कुल आपके लिए फ्री है, चाहे वो कोई से भी कैटेगरी कैंडिडेट हो। एज लिमिट रहेगी 18 ईयर से आके 25 रहेंगे, जिसमें ओबीसी का इनको 3 रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अगर आप एसटी या फिर एससी हैं तो इनको 5 के रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, हम बता चुके हैं 10वीं क्लास कैंडिडेट्स रहने वाले, रिटर्न प्रोसेस इसमें क्या क्या होगा, सिलेक्शन आपका पहले रिटर्न एग्जाम चलेगा फ्रेंड, ज़्यादा नहीं होगा, 10th क्लास का एक एलिमेंट्री सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें आपके पास रीजनिंग आएगी, जिसमें आपके पास एक मैथ्स होगी, सिंपल सी होंगी, ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, फिर एक आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस रहने वाले और इसी में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स कुल मिला के आप मान सकते हैं कि आप इसके अंदर 100 से 120 क्वेश्चन रहेंगे, 1 आवर का टाइम रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। अगर आपको लगता है कि आपको रिटर्न एग्जाम के ऊपर कोई सैम्पल पेपर्स, फ्रेंड्स मैं आपको सैम्पल पेपर्स भी अकेले ला के दे दूंगा और आपके इसके अंदर पूरी मार्किंग स्कीम भी अपन डिस्कस कर लेंगे, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ, अदरवाइज मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करूँगा। फ्रेंड बाद में फिजिकल और आपका कुछ ट्रेड टेस्ट होता है, इसके अंदर भी आपको मैं बता दूंगा क्या से क्या चीज़ होती है, अगर आप मुझे कहेंगे तो बकायदा फ्रेंड्स मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता। फिर फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप जिस कैटेगरी से जिस सर्टिफिकेट्स लगा के जा रहे हैं वो वेरिफिकेशन करेंगे, देन फ्रेंड्स आपका छोटा सा मेडिकल एग्जाम होता है उसको क्लियर कर लेते हैं, देन फ्रेंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आती है फ्रेंड्स को अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने के लिए आपको मैं थोड़ा सा आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे हम, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने पे जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मेरे सामने खुला हुआ है, तो इसके लिए आपको इसमें आना पड़ेगा गूगल क्रोम पे, वहाँ पे हम लिखेंगे, आप बिल्कुल देख लीजिए governmentsarkarivacancy.com, इसका मैं आपको जो लिंक है आपको मैं वहाँ पे भी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे आप फ्रेंड इसके अंदर आएंगे आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिल जाएगी, जिस तरह इंडियन आर्मी की MTS का ही बिल्कुल आ रखा है। और आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ, जैसे आप इसके अंदर आएंगे देखें फ्रेंड्स इंडिया बिगेस्ट एजुकेशन पोर्टल वेबसाइट है, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है जिसमें आपको हर तरह की लेटेस्ट भी ग्रेजुएट्स की जॉब्स 10th पास 12th पास की जॉब्स के अंदर कम आपको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स इसमें काफ़ी सारे आपके ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज हैं, पर अभी जैसे इन्होंने अभी आपका इंडियन आर्मी MTS का लेटेस्ट में डाल रखा है तो मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ,
जैसे फ्रेंड्स आप इसके अंदर जाएंगे, आप इसके अंदर देखेंगे कि आपको पूरी 10th क्लास की पूरी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रेंड्स आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलेंगे तो आप देखेंगे इनका बिल्कुल ही लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप इसको देख सकते हैं। जिस तरह इन्होंने निकाल रखा है, ए है मल्टीटास्किंग स्टाफ आ गया, नो पोस्ट है, जनरल EWS ईस्वैम OBC ST वालों के लिए है। ये आपके लिए कहाँ के लिए आपको मैं थोड़ा सा एक बार बता दूँ, कोलकाता। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कोलकाता एक लोकेशन है, ये उनके लिए वैकेंसी भर रहे हैं। इन्होंने 10th पास मांग रखा है। अगर फ्रेंड्स अगर आपको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आपको एक साल का कोई एक्सपीरियंस है रिलेवेंट किसी भी आपको जो MTS का आपने किसी भी कॉबलर या किसी के अंदर भी किया हो, फ्रेंड्स सैलरी आपके रहने वाली लेवल 1 मान के चलिए, आपकी सैलरी इसके अंदर 35,000 तो मिनिमम आपकी इसलिए रहेगी। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इसका अपन आके और देख लेते हैं। इन्होंने जो बोल रखा है इंटरेस्ट कैंडिडेट, वो रिटर्न टेस्ट होगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, क्या बोल रहे हैं कि रिटर्न टेस्ट होगा, उसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10th का अपन कर से इंग्लिश आने वाली और आपका जनरल करंट अफेयर्स। ये 4 सेक्शंस रहेंगे फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चंस कुछ गिने चुने होते हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके लिए मैं आपको आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड इन्होंने बोल दिया कि आपको क्या करना है, जो बंदा इस रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट को पास कर लेता है फ्रेंड्स, उनको इंडिया के किसी भी लोकेशन के अंदर कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन आपको भेज सकते हैं। फ्रेंड्स आपको इसके साथ के अंदर 2 लिफाफे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर उनको स्टैम्प बोल रखी है, देख ले नहीं इन्होंने फिक्स स्टैम्प। हाँ फ्रेंड आपको स्टैम्प भी लगानी होगी, तो फ्रेंड्स कम से कम 5 से 7 रुपए की स्टैम्प आते हैं, आपको वो 2 लगा देने हैं। और फ्रेंड इसके ऊपर अपना ऐसे यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दें, पूरा जो आपका एड्रेस है वहाँ पे लिख दें। तो फ्रेंड्स आपने ये 2 ये लगा दी, उसके बाद इन एडिशन फोटो एप्लीकेशन फोटो फाइल्स फोटोग्राफ। या फ्रेंड्स अब आपका अपन इसे डिस्कस करते हैं कि आपको फॉर्म किस तरह भरना है वगैरह वगैरह, थोड़ी सी सारी चीजें एक मिनट में क्लियर कर लूँ। अब फ्रेंड्स अब बात आती है कि इसको अपने को भरना किस तरह। जैसे फ्रेंड्स अपन ये आ गया, तो आपको यहाँ पे अपनी फोटो लगा देनी है, जिसमें आपको अपना एक नाम लिखना पड़ेगा, आपकी सिंगल एंट्री के लिए जा रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा MTS, अपना नाम, फादर्स नेम, सेक्स, आपका एज, डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखेंगे आप इसे में, 21 अक्टूबर 1986 हम इसको इस तरह लिखेंगे। पोस्टल एड्रेस अपना पूरा एड्रेस, कोशिश करना फ्रेंड इस बॉक्स से बाहर ना निकले। मोबाइल नंबर और आपका जो ईमेल आईडी है उनको फ्रेंड्स को बहुत सोच समझ के पढ़ना, जो बिल्कुल चलता हुआ होना चाहिए। परमानेंट एड्रेस आपको बिल्कुल वही जो अगर आपका है तो वो लिखना है, अगर ऐसा नहीं कि आपका मेलिंग एड्रेस आप सेम हो तो आप सेम भी सेम मत लिख देना, फिर भी इसका फुलफिल करके भर देना। आपकी नेशनलिटी आपकी इंडियन रहने वाली, कास्ट आपकी जो कास्ट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास आप लिख देना, और आपके उसके साथ में डॉक्यूमेंट कॉपी भी लगा देना विद सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना। आपका एनुअल एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड कोई मतलब नहीं इसका। फिर फ्रेंड फिजिकल आपके पास कुछ हो तो, जैसे फ्रेंड्स मेरे पास कट मार्क ऑन लेफ्ट फुट है वो कर सकते हैं, मोल ऑन माय चिक मतलब मेरे तिल है वो लगा सकते हैं, अपना आधार कार्ड और आपके पास जो कोई अदर इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड इसके अंदर वो भर देना। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके बाद अपना यहाँ पे साइन डेट और वो करके आपको लगा देना है। फ्रेंड्स आपको इसके अंदर ये नहीं बढ़ना, या आपको ऑफिशियली उसके लिए रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको आशा करता हूँ कि आपको मैंने सारी चीज आपको समझा दी है। बातें फ्रेंड्स को भरने के बाद आपको क्या करना है, मेन लिफाफा लिखना है, बाकी अपना फॉर्म के ऊपर ये चीज लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ कैटेगरी MTS, ठीक है फ्रेंड्स। बाद में इसको आप इस एड्रेस के ऊपर भेज दीजिए, और फ्रेंड कोशिश करना कि 2 दिसंबर से पहले पहले भेज दें, और फ्रेंड्स देरी मत करो, जितना जल्दी हो सके इसको भेज दीजिए। चाहे आज की तारीख 12 हुई है तो फ्रेंड्स 13 तारीख के अंदर जितना जल्दी हो सके इसको भेज दीजिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता ताकि फ्रेंड जल्द जल्द आप लोगों को टाइम भी कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। अगर आपको लगता हो तो आपके क्वेश्चन पेपर्स भी मैं कर दूंगा, पर फ्रेंड्स मैं चाहूँगा उसके लिए मेरे कम से कम है ना 10,000 मेरे को लाइक्स चाहिए होंगे, तो ही मैं इसे आगे क्वेश्चन पेपर्स और मैं इसमें अपलोड करूंगा, अदरवाइज फ्रेंड्स इतना मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा और भी काम होते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक की सब्सक्राइब कीजिए, और फ्रेंड्स जितना ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो आशा फ्रेंड्स टेक केयर, बाय, अगली बार नए वीडियो फिर पहुँचूंगा, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।